अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ सहरी का व्लॉग। सहरी के व्लॉग में आज मैं इंशाल्लाह खिचड़ी, खट्टा खीमा और प्याज के अंडे बताने जा रही हूँ, और उस कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सारी चीज़ें हम सहरी में नहीं बना सकते, टाइम वक्त हो जाता, तो उसको किस तरह अरेंज करना वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। और डेली तो मैं रोटी बनाती हूँ, उसकी भी व्लॉग डालूंगी। रोटी और उसके साथ क्या सालने बनाती हूँ, क्या कैसा अरेंज करती हूँ वो बताऊंगी। लेकिन बीच में जब रोटी से बच्चे सब बोर हो जाते हैं तो कभी कभी बीच में मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, वो भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, फटाफट बनाने का तरीका इंशाल्लाह। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये खीमे की हम आधी ही तैयारी करेंगे, और खिचड़ी के जो प्याज को फ्राई करके रखते उसकी भी, खिचड़ी की भी आधी तैयारी अब सोते वक्त करेंगे। जब भी हम सोते थोड़ी देर पहले इसकी तैयारी करके रख के सोएंगे, फिर सहरी में जो आधी करेंगे। सोने से पहले खिचड़ी और खीमे की तैयारी। ये है 300 ग्राम खीमा और 2 बड़े साइज की प्याज। मैं खीमे को नहीं धोई, प्याज डाल के इसको मसलते हुए साफ धोएंगे, तो खीमे की और गोश्त की जो स्मेल रहती वो स्मेल नहीं आती। इसको अच्छे से मैं वॉश कर ली। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्ची, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। हाथ से मैं इसको अच्छे से मिला ली। एक कुकर रख दिया और उसमें डाली ऑयल। ऑयल के खीमे के हिसाब से डालना। अब जो खीमे को हम नमक मिर्च ला कर रखे थे वो खीमा डाल देंगे। अब इसको 5-6 मिनट भूनते हुए पका लेंगे। चलिए 5-6 मिनट में इसको अच्छे से भून ली। अब इसमें 1 गिलास पानी डाले, 1.25 लीटर पानी है ये। अब इसको ढक्कन लगा देंगे। अब इसका ढक्कन लगा के 5-6 सीटी दे के फ्लेम को बंद करके रख देंगे। और जो आधा पकवान है, आलू और मेथी डालना है, सहरी में डालेंगे। फ्रेश पक जाता और जरी देर में बन जाता। खट्टे के लिए मैं डाली 1/2 मुट्ठी इमली डाली। ये 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। और इसमें पानी डाल के हम इसको ढाक के छोड़ देंगे। सहरी में इसका खट्टा निकाल लेंगे। चावल लिए मैं 1/2 किलो चावल है, और ये बासमती राइस नहीं है, ये डेली जो हम खाते सोना मसूरी वो है। और खिचड़ी मूंग की दाल की बहुत मज़ेदार होती है। मसूर की दाल की भी बनाते थोड़े लोग, लेकिन उससे ज़्यादा मज़े की ये होती है। और ये है 100 ग्राम। चलिए ये मूंग की दाल को रोस्ट करके रख लेंगे। ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छे से भुनना, और कंटिन्यू जरा गर्म होते कि कंटिन्यू मिलाते हुए भुनना, नहीं तो जल्दी जल जाती है दाल। भुन के डालना खिचड़ी में, कच्ची ऐसी नहीं डालना, इसकी स्मेल आती, कच्चापन टेस्ट अच्छा नहीं आता। अच्छे से भुन के चावल के साथ डाल के वॉश करके रख लेना। अच्छे से मूंग की दाल अच्छे से भुनी गई, अब उसको चावल में डाल के वॉश करेंगे। अब इसको 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लेंगे। चावल को मैं 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर ली। चावल ऐसा वॉश करना कि पानी में से चावल झलकना, और ये गर्मा का मौसम है, खाना ख़राब नहीं होता। अच्छा साफ चावल धोना, और बर्तन जिसमें पकाना वो भी साफ रहना। और इसको ढक के रख देंगे अब सहरी में पकाने के लिए देखेंगे। और छोटे से इसके 4 आलू थे मैं कट कर ली, और आप आपके हिसाब से आलू डाल सकते हैं। ये कट करी, वॉश नहीं करी, इसको फ्रिज में रख देंगे। सहरी में निकाल के इसको वॉश करेंगे। अब खिचड़ी के प्याज को फ्राई करके रख देंगे। एक आखिरी प्रिपरेशन बचा बाकी के सहरी में, जो आधा जो बचा सहरी में करेंगे। और 2 मीडियम साइज के प्याज ली मैं 1/2 किलो चावल के लिए। प्याज कम नहीं लेना बिल्कुल, प्याज अगर कम लेंगे तो रुखी बनती है, अच्छी सॉफ्ट और मसालेदार खिचड़ी रहना। प्याज को बारीक कट कर लें। खिचड़ी जिस बर्तन में पकाना है वही बर्तन रख देना। अब इसमें प्याज डाल के फ्राई करेंगे।
प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगी, अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। 1 टेबल स्पून काफ़ी है क्यों, मतलब राइस आधा किलो है, ज़्यादा नहीं। थोड़ी से डार्क होना प्याज और अदरक लहसुन भी डार्क ब्राउन है, अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें डालने की हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी, खिचड़ी येलो कलर की अच्छी दिखती, और 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून नमक। गोल्डन ब्राउन अच्छे से प्याज फ्राई हो गई डार्क, अब इसमें पानी डालें। पानी डाल दी मैं, पानी कितना डालना बोलते हो, खिचड़ी के चावल जितने रहते हैं उसका कोई भी चीज़ से आप मेजरमेंट करके चावल डबल लेना। अगर आपके पास 2 गिलास चावल हो रहे हैं तो आप 4 गिलास पानी, जितना चावल है उसका डबल पानी डालना। और अगर चावल नया है, गलने का डाउट है, तो पानी को थोड़ा सा कम कर लेना। अब इसमें मैं सारी चीज़ें डाल दी, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन, सारी चीज़ें। सिर्फ 2 चीज़ें बची हुई है, एक हरा मसाला और गरम मसाला, वो सहरी में ही पानी बॉईल होते वक्त डाल लेंगे। अभी से डाले तो काला हो जाता और हरा मसाला और गरम मसाले की खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। चलिए अब इसको ढाप दे रही में सहरी में चेक करेंगे सब। चलिए सहरी का टाइम हो गया और अब चावल जो पानी जो हम बना के रखे थे उसको तेज़ फ्लेम पर रख दी मैं। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा कटे हुआ कोथमीर और पुदीना। हाफ टी स्पून गरम मसाला, चाहे तो आप गरम मसाला साबित भी डाल सकते हैं। अब इसको बॉईल होने तक ढाप देंगे, पानी का बॉईल आने तक। रात में जब मैं 4-5 सीटी होने के बाद बंद कर दी थी और खीमा पिघल गया, प्याज पिघल गई, इसको भुनी नहीं थी, हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे मेथी की भाजी, थोड़ी सी मेथी की भाजी और जो आलू काट के रख लिए थे हम फ्रिज में, वो आलू के पीस को वॉश करके डाल देंगे, और 1-2 हरी मिर्ची। अब इसमें पानी अच्छा है, ज़रूरत नहीं है डालने की, पानी नहीं है तो आप डालना, और ढक्कन आके 3 से 4 सीटी होने देंगे आलू गलने तक। पानी भी बॉईल शुरू हो गया, जो चावल को हम वॉश करके रख लेते इसका पानी फेंक देंगे। अब इसमें चावल डाल देंगे, अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ढाप देंगे, बॉईल आने तक ढाप देंगे। अच्छे से इसमें बॉईल आ गया, 4 से 5 मिनट में तेज फ्लेम पे पका लिए, तो फ्लेम को धीमा करके 6-7 मिनट धीमे फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे, बीच में 1 से 2 बार मिलाएंगे। और जब तक हम चाय को धीमे पे रख लेंगे, चाय को धीमे पे रख लेंगे, हाँ, सारा पकवान होने तक चाय भी अच्छे से पक जाती। जब तक हम इमली का मीडियम खट्टा बना के रख लेंगे। एक 3 से 4 सीटी हले गए, 3 से 4 सीटी हो गए, आलू भी अच्छे से गल गए और मेथी भी अच्छे से पक गई। अब थोड़ा पानी है तो उसको सुखा लेंगे। धीमे का पानी अच्छे से सूख गया और फ्लेम को बंद कर देंगे, ढक्कन लगाकर साइड में रख देंगे। सात मिनट जुमला 7 मिनट में दम पर रखे और अच्छे से दम हो गया, इसको चेक कर लेना पानी पूरा सूख गया या नहीं। अगर आप 7 मिनट में नहीं, थोड़ा पानी है सुखाने, तो आप दम देना, लेकिन मेरा तरीक़े से बनाती हूँ तो हमेशा पानी सूख के दम हो जाता।
फ्लेम को बंद कर देंगे, खिचड़ी को साइड में रख देंगे। हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई और खीमा भी तैयार हो गया और चाय भी धीमे पे अच्छे से पक रही। और थोड़ी सी पकने के बाद इसको थर्मास में छान लेट के रख लेंगे। खिचड़ी भी तैयार हो गई, खीमा भी तैयार हो गया, अब इस खट्टा तैयार खट्टे को पकाएंगे बनाएंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 1/3 हरी मिर्चियों को पीस लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। हाँ, अगर आपको ये खट्टा, अब इसको ये तैयार हो गया, अब इसको भगाना है। अगर आपको ये काला खट्टा सादा खट्टा पसंद नहीं है तो आप सेम यही खट्टे में 1 टेबल स्पून फल्ली और 1 टेबल स्पून तिल, दोनों को रोस्ट करके उसका पेस्ट या पाउडर कुछ भी आप बना के इसमें मिक्स कर दे सकते हैं भगाने से पहले। अब इसमें डालेंगे प्याज, खड़ी प्याज, थोड़ी सी कोथमीर, खट्टे को भगाने के लिए मैं एक पैन रख दिया। और उसमें डाली 1 टेबल स्पून ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जीरा ब्राउन होना शुरू हुआ और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन, इसको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता, चलिए हमारा खट्टा भी तैयार हो गया, चाय भी तैयार हो गई, थर्मास में छान के रख लेंगे। जब तक हम मुरकुल डाल लेंगे, मुरकुल को एक मुरकुल डाल के देखना तेल तैयार हो गया क्या नहीं। और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, इसकी लिंक मैं डालूंगी। तेल अच्छा सा गर्म है, इसको फ्लेम को बंद करके कुछ सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद दही की मिर्चियों को फ्राई करेंगे। दही की मिर्चियों को गरम गरम तेल में तलने पर जल जाते। और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, इसकी भी लिंक में डालूंगी। कुछ सेकंड वेट करने के बाद डालेंगे। प्याज के अंडे तलेंगे, 3 अंडे। 3 अंडों के लिए मैं 2 छोटे साइज के प्याज को बारीक चॉप कर ली। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन। अब इसको हम अच्छे से इसको हाथ से चूरेंगे, क्रश करेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर बारीक कट करके। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आधा करते हुए तलेंगे, एकदम ज्यादा फ्राई करके खराब हो जाएगा।
ज़्यादा भी सेब इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चलिए हमारे सहरी के सारे चीज़ें तैयार हो गए, खिचड़ी है, मुरकुले और अफीमा, खट्टा, अंडे और लेमन का नींबू का अचार है और असली घी है और चाय भी हमारी तैयार है। चलिए ये मेरा ये सहरी का व्लॉग आपको कैसा दिखा आप कमेंट में बताइए। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।